मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम से लखनऊ जाने से पहले नेहरू स्टेडियम का औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर उनके साथ अधिकारीगण भी मौजूद रहे। सीएम मनोहर लाल ने पूरे स्टेडियम में पैदल चलकर 11 जगह जाकर स्टेडियम का पूर्ण रूप से निरीक्षण किया। इस दौरान एस्ट्रोटर्फ और स्टेडियम के अंदर जलभराव की समस्या को देखते हुए उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिए कि इन समस्याओं का तुरंत निवारण किया जाए, जिससे खिलाड़ियों को किसी तरह कोई परेशानी न हो। वहीं सीएम मनोहर लाल ने स्टेडियम में खेल रहे बच्चों से भी मुलाकात की। वहीं खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर मनोहर लाल ने खिलाड़ियों का अभिवादन भी किया। जिमनास्टिक में बेहतर प्रदर्शन करने वाली एक नन्ही खिलाड़ी को भी सीएम मनोहर लाल ने 5100 रुपए की राशि देकर सम्मानित किया। वहीं दिल्ली में कांग्रेसियों की भारत बचाओ रैली पर सीएम मनोहर लाल ने बयान देते हुए कहा कि लोकतांत्रिक देश में सभी को रैली करने का अधिकार है। कांग्रेस अपनी वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही है, सही और गलत का फैसला जनता करती है। देखिए, उसमें कुल मिलाकर के जो नौजवान और बाकी खिलाड़ी, छोटे बच्चे भी हैं, हर अभ्यास में अच्छे प्रकार से खेल रहे हैं, देख रहे हैं, तो उसमें स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जो हमारा है, खास करके डिस्ट्रिक्ट की हमारी स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं, क्या नाम, राज यादव, तो इनका जो प्रयत्न है बहुत अच्छे चल रहे हैं और इनकी मैं सराहना करता हूं। साथ ही कुछ खेल के मैदान में जो छोटी मोटी कमियां हैं वो भी ध्यान कराई हैं इन्होंने, तो उसको भी हम जल्दी ठीक कराएंगे। कहीं पानी भरा है या जो ट्रैक की कमी है, जो इसमें निर्माण कार्य जो चल रहे हैं उसको और तेजी से चला करके और सब सुविधाएं इसमें बनाई जाएंगी। 9-10 साल से सभी एस्ट्रोटर्फ बदलवाने की डिमांड है लगातार। हाँ, अभी अभी योजना बना दी है, योजना बन गई है और इसका सैंक्शन भी हो गया है, बहुत जल्दी कम्प्लीट हो जाएगा।